तुर्की के तावुन से कराची में ट्राम सर्विस शुरू करने की तजवीज़ हकूमत को पेश कर दी गई है। इफ्तिखार शालवानी, कमिश्नर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कराची इफ्तिखार शालवानी ने कहा है कि तुर्की के तावुन से कराची में ट्राम सर्विस शुरू करने की तजवीज़ हकूमत को पेश की गई है, जिससे कराची को सियाहत का मरकज बनाने में मदद मिलेगी। जदीद लाइब्रेरियों के क्याम और पार्कों को बेहतर बनाने की कोशिशों में भी तुर्की की महारत से इस्तिफादा किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने तुर्की के कौंसलर जनरल की सरबराही में मुलाकात के लिए आए हुए चार रुकनी वफ्द से बातचीत करते हुए कही। मुलाकात के दौरान कराची में तुर्की के तावुन से मुख्तलिफ मंसूबे शुरू करने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। कमिश्नर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कराची ने अपने तुर्की के हालिया दौरे में बल्दिया उज़्मा कराची के वफ्द की पजीराई पर तुर्की की हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनका तुर्की का हालिया दौरा कामयाब रहा, जिसके दौरान तुर्क कंपनीज के नुमाइंदों से मुशावरत की गई। तुर्की और पाकिस्तान के बाहमी तावुन से कराची में ट्राम सर्विस के आगाज और पार्कों को लाइब्रेरियों को बेहतर बनाने के लिए मंसूबाबंदी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कराची में दीगर शहरों से आने वालों और गैर मुल्की सियाहों के लिए बेहतरीन टूरिस्ट सर्विस मुतारिफ करवाई जाएगी। 9 किलोमीटर तवील ट्राम सर्विस से आगाज किया जाएगा। ट्राम सर्विस के जरिए गैर मुल्की सियाहों को कराची की तरफ मतवज्जा किया जा सकेगा और मुकामी सतह पर सियाहत के फरोग से मुल्क को फायदा पहुंचेगा।